तन्मय हो गया था मैं कि 5 मिनट तक मुझे कुछ भी मेरे ध्यान में नहीं था सिवाय इसके। अब इतना ज्यादा अमृत आपकी बारी में है, इतना ज्यादा ज्ञान आपके मस्तिष्क में है, रूपांतर करने के बाद वेदों से अपने विद्यार्थियों को अपने शिक्षार्थियों को आच्छादित कर रहे हैं। दुनिया में सबसे ज्यादा रूपांतर हमारे गीता का हुआ है, जितनी भाषा में गीता का रूपांतर हुआ है विश्व किसी ग्रंथ का नहीं हुआ। प्रचुर मात्रा में वेदों के अंदर तुम्हें ज्यादा समय बिल्कुल नहीं होगा। कहती बड़े गर्व है कि प्रोफेसर प्रवती चौधरी साहब बहुत बढ़िया काम किया है, इस तरह की परंपरा संस्कृत बात ऐसा गोल विषय का पॉइंट है जिस तरह की आप लोगों के लिए बहुत उपयोगी होगा, आपका संज्ञान बढ़ेगा, ऐसे पर्टिकुलर किसी पॉइंट को लेकर अगर संबंध होता है। और जब एक छोटे से पॉइंट पर भी इतना अधिक ज्ञान है तो वेदों के ज्ञान से कोई छुटता नहीं है, वेदों से बहुत फायदे उपदेश लिए हैं। तो सब आज का मेरे बगल में बैठे हुए थे, मैं तो पूछ रहा था कि आप जर्मन वगैरह गए हैं, तो मैं गया हूँ। सर, 3 दिवसीय राष्ट्रीय वेद संगोष्ठी का आज शुभारंभ हुआ। उद्घाटन सत्र के जो मुख्य अतिथि रहे जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय जोधपुर के जो माननीय कुलपति हैं प्रोफेसर आर पी सिंह जी, और मुख्य वक्तव्य आचार्य सत्यानंद वेद वागीश जी जो वेद के प्रतिष्ठित विद्वान हैं, और उसी के साथ साथ अध्यक्षता इस सत्र की जो कर रहे थे वो है आचार्य डॉक्टर दयानंद जी भार्गव जो राष्ट्रपति सम्मानित मनीषी है। तो इस प्रकार से ये 3 दिन की जो संगोष्ठी होने जा रही है, आज से प्रारंभ जिसका हुआ है, इसमें अनेक जगह से यूनिवर्सिटीज से कॉलेजों से प्रोफेसर और लेक्चरर लोग आए हुए हैं। इसके साथ साथ शोध करने वाले अनेकों शोध छात्र भी यहाँ आए हैं। इंद्र के स्वरूप पर यहाँ चर्चा होगी, ऋग्वेद में सबसे ज्यादा इंद्र के सूक्त है। इंद्र का स्वरूप क्या है, अन्य देवताओं के साथ में उसका क्या संबंध है, उसका वास्तविक अर्थ क्या है, वो सारे का सारा यहाँ चिंतन मनन इन 3 दिनों में किया जाएगा। अपना परिचय दीजिए। मैं आचार्य कपिल मलिक, आयोजन सचिव राष्ट्रीय वेद संगोष्ठी।